सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बीमा प्रीमियम पर 18% GST वापस लेने की मांग की है। पत्र का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नितिन गडकरी ने कहा है कि GST जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के बराबर है, इससे इस सेक्टर का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगा। खबर के मुताबिक नितिन गडकरी ने निर्मला सीतारमण को लिखे अपने लेटर में कहा है कि आपसे अनुरोध है कि आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST वापस लेने का सुझाव पर प्राथमिकता दें और इसके आधार पर विचार करें, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन के लिए एक बोझ हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% GST इस सेगमेंट के विकास के लिए एक बाधा साबित हो सकता है, जो सामाजिक रूप से आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीवन बीमा प्रीमियम पर GST लगाया जीवन के अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान होगा। यूनियन का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार को कुछ सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उसे इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि ये जीवन बीमा के जरिए बचत के अंदर उपचार स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए आयकर कटौती के फिर से शुरू करते और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कंसोलिडेट की ओर से इशारा करता है। गडकरी ने वित्त मंत्री को ये पत्र ऐसे समय लिखा है जब पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को लेकर कई पक्षों की आलोचना हो रही है। खबर के मुताबिक विपक्ष ने जहां केंद्र पर केवल अपने प्रमुख सहयोगी TDP और JDU शासित राज्यों के प्रति उदार होने का आरोप लगाया है, तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने सैलरीड क्लास के लिए हाई टैक्स रेट की ओर इशारा कर दिया है। वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों को धन मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि अगर बजट भाषण में किसी राज्य का नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कवर नहीं किया गया। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वर्ल्ड इंडिया।